हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एसवेल की ओर से सभी बच्चों के लिए डिग्री से रिलेटेड एक मेल भेजे जा रहे हैं और ये एक नया नोटिफिकेशन भी है उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एसवेल के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा एनसीवैप के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। सो गाइस, ये मेल आपको बेसिकली भेजा क्यों जा रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप करके इस मेल को भेजा कि सर जी, हमारे पास में ये मेल आ रहा है, हम क्या करें इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे मिलेगी डिग्री, चाहे आप लोगों ने किसी भी ईयर में की हो अपनी ग्रेजुएशन, और आप लोगों को किन प्रोसेस के तरीके से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी ईमेल आईडी को पहले आप लोगों को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और किन किन कदमों को आपको उठाना है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, ये बात आप लोगों के लिए, सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को भी मिले डिग्री तो आप लोगों को पहले करना होगा अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई और उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगी आपकी डिग्री, अन्यथा आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। एसवेल ने डिग्री लेने के प्रोसेस में एक कदम और आगे बढ़ाया और आप लोगों को ऑफलाइन डिग्री के अलावा ऑनलाइन डिग्री भी प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए। तो ऑनलाइन डिग्री आप लोगों को पहले कैसे मिलेगी, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। दूसरी बात, आप लोगों को मेल आईडी वेरीफाई कैसे करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरी बात, आप लोगों को ऑफलाइन भी डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ, जो बच्चे अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन देके पास हुए हैं या फिर ऐसे बच्चे जो किसी भी ईयर एसवेल में पास हुए हैं तो उन्हें डिग्री कब मिलेगी, इस वीडियो में डिग्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन डिग्री का पोर्टल खोल दिया, तो क्या उनको अब ऑफलाइन नॉर्थ कैंपस में जो पहले डिग्री दी जाती थी वो डिग्री अब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में यही आ रहा है। तो गाइस, आप लोगों को ऑफलाइन डिग्री भी दी जाएगी और आप लोगों को उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं याद दिला दूँ कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी और साथ ही साथ में आपको मोबाइल नंबर भी पहले भी वेरीफाई करना पड़ता था, बट यहाँ पर एक प्रोसेस और आ रहा है। क्या प्रोसेस आ रहा है, आप लोग डिजी लॉकर से, ई वॉलेट से, आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने ऐप्स आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं, जहां पर से आप लोग अपने, जैसे डिजी लॉकर उनमें से एक है, आप उससे अपनी जो डिग्रीज है, अपने जो भी आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप उससे डाउनलोड करते हो ई वॉलेट के रूप में, वैसे ही अब आप अपनी डिग्री भी कहीं पर भी कैसे भी कभी भी अपनी डिग्री को डाउनलोड कर सकते हैं। उस डिग्री को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना होगा, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। सो आप लोग इसके बगैर अपनी ऑनलाइन कभी भी डिग्री डाउनलोड नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा यह है कि आप कहीं भी जाओगे कभी भी अपनी डिग्री आपको घर से कैरी करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के या फिर आप इसको फ़ोन में भी उन्हें शो कर सकते हो। सो गाइस, इसमें आप लोगों की जो चोरी करने की, जो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी डिग्री चोरी हो जाती थी तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उससे भी इन लोगों को निजात मिल जाएगा और आप लोग इसका भी एक बेनिफिट ले पाएंगे। तो चले गाइस, कैसे करनी आप लोगों को मेल आईडी वेरीफाई, चले गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के पास में ये मेल अब तक नहीं आया तो आप चिंता ना करें, आप लोगों के पास में आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास में ये मेल नहीं भी आता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा का पूरा लिंक दे दूंगा, जहां पर से आप लोगों को वेरीफाई करना है उसके लिए भी मैं बता दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। दूसरी बात, आप लोग हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए गाइस, सो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा, ये पूरा का पूरा मैसेज आपको मिल जाएगा, प्लीज़ विजिट, फिर https
फिर ये पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर दिया है, इस पर आप टैप करोगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करने के बाद में आप लोग अपनी एक नई विंडो के ऊपर आ जाएंगे। आपसे पूछेगा कि आप किससे देखना चाहते हैं, तो हम गूगल क्रोम को यूज़ करेंगे। गूगल क्रोम का जैसे यूज़ करेंगे हम लोग आ जाएंगे अपनी एक नई विंडो के ऊपर। आप जैसा कि आप देख सकते हो ये नई विंडो आप लोगों को मिल जाएगी, और ये जो नई विंडो रहेगी यहाँ पर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आप लोगों के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर से आप इसका आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ विजिट। इसके बाद में ये मैंने सर्कल के आपको इस पर क्लिक करना है पूरा का पूरा HTTP इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोग एक नई विंडो आपके सामने आएगी। आप PC लैपटॉप में यूज़ करें तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आप क्रोम का यूज़ करेंगे, क्रोम पे क्लिक करना है आपको। क्रोम पे क्लिक करने के बाद में आप लोग एक नई विंडो पे आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बनाई गई है। और इस पर आने के बाद में आपको ज़रूरी नहीं PC की यूज़ पड़ेगी, इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम, यानी आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल सकता है। एप्लीकेशन टू भी आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको देखो करना है क्या, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को ये फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों को ये मिलेगा, आपको एक टैब मिलेगा डाउनलोड डिजिटल डिग्री फॉर द एकेडमिक ईयर 2020, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आएगी, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले यहाँ पर देख लेना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो SOL के स्टूडेंट्स हैं वो SOL वाले फिल करेंगे, जो SOL के अलावा NCVAB या रेगुलर वाले हैं तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे SOL के बच्चे हैं तो SOL का। अब यहाँ पर पूछा गया आपका एनरोलमेंट नंबर, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई एनरोलमेंट नंबर सर हमें कहाँ से मिलेगा, ये तो हमारे पास अलर्ट ही नहीं है। तो गाइस आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताया कि आप लोग अपना एनरोलमेंट नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। आप लोगों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर, तो आप लोगों को एज इट इज़ वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपना थर्ड ईयर का जो भी आपका एग्जाम रोल नंबर था आपको वो फिल करना है, और उसको फिल करने के यहाँ पर गाइस कैप्चर भरना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैप्चर में क्या लिखा हुआ है तो आप लोग इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ पर वो फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। डिटेल्स वेरीफाई करोगे आप लोगों के सामने क्या होगा, आपकी मेल आईडी पे एक मेल आईडी आपसे कंफर्म की जाएगी, आपकी मेल पे एक कंफर्मेशन। गाइस आप जैसे यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी, वहाँ पर आपको मेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई होने के बाद में वहाँ पर आपके डबल टिक आ जाएगा। डबल टिक आने के बाद में आप लोगों को दोबारा बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखो इस पर बैक आना है आपको एक स्टेप। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिलेगी, आप लोगों को यहाँ पर देखना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर अपने आपको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम बनाना है अपना, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ आएगा, ये आपके मेल आईडी पे ही आएगा, कंफर्म करेंगे आप उसको। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर नीचे क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को ये वेरीफिकेशन कोड डालना है, और वेरीफिकेशन कोड डालना है, और इसके बाद में ये आप लॉग इन कर लोगे। बच्चे पूछ रहे हैं अगर फिर भी ना हो तो क्या करना है, तो गाइज आप लोग यहाँ पर गाइडलाइंस पर क्लिक करना है एक बारी, यहाँ पर इस वाले गाइडलाइन वाले कॉलम पर। अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो गाइडलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग अपनी ईमेल आईडी भरिए या ईमेल आईडी कंफर्म करिए। कैसे मेल आईडी पे पासवर्ड आएगा बच्चे पूछेंगे आपसे, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ही आपको आना है, देखो यहाँ पर इस वाले कॉलम पे आपको टैप करना है गाइडलाइंस पे। गाइडलाइंस पे टैप करोगे आप लोग, नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है जो आपने पहले अभी भरी थी वेरीफाई करने के बाद में। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, आपका जो भी पासवर्ड है उसको कंफर्म करना है, और यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है। कल को आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप मेल आईडी के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू उसको देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर अपना जेंडर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अगर आपसे पूछता है तो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फिर आप ये क्या करेंगे टैक्स जो है इसको कैप्चर करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर अपने आप को आप रजिस्टर कर देंगे। और जैसे ही आप लोगों का आएगा आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपको कैसे डिग्री का प्रोसेस करना है। ये एक काफ़ी फास्टली है, मैं एक प्रैक्टिकली आपको पूरा डाउनलोड करके दिखाऊंगा एक किसी स्टूडेंट का। अभी आप पहले तो अपने आपको रजिस्टर कीजिए, कोई ऐसी पैनिक होने वाली जल्दबाजी नहीं है कि वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, आराम से करिए। आज नहीं होता कल करेंगे, कल नहीं होता परसों करेंगे, हमें आपके साथ हम आपका करवाएंगे, आप चिंता करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अगर इसी प्रकार की आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे।